गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे वी आर गोइंग थ्रू द सीट फर्स्ट. करेक्ट. जो अपन ने मैटर सराउंडिंग अस का जो आपको मैंने कंटेंट भेजा था, ठीक है बेटा, उसका जो अपना सीट फर्स्ट है उसके अपन आज सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो सीट फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज़ वो क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ नीदर डेफिनेट शेप और अ वॉल्यूम. कि भाई कौन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर ऐसा है जिसका ना तो फिक्स क्या होता है शेप होता है और ना ही फिक्स क्या होता है बेटा उसका वॉल्यूम होता है. तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेट हैं, कौन कौन सी, एक लिक्विड है. जनरली गैस जो होता है इसका ना तो फिक्स क्या होता है बेटा शेप होता है और ना ही फिक्स इसका वॉल्यूम होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, क्या बेटा क्वेश्चन नंबर टू, विच विल हैव मोर डेंसिटी आइस और अ स्टीम. तो यहाँ पे आंसर आएगा बेटा आइस हैव मोर डेंसिटी. आइस का क्या बेटा मोर डेंसिटी एज कंपैरिजन टू द स्टीम. स्टीम में जनरली क्या है पार्टिकल्स के बीच में, क्या बेटा स्टीम का मीन्स वन काइंड ऑफ द एयर, करेक्ट, वास्प. तो उसमें क्या है जो बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन एज कंपैरिजन टू द आइस. सो दैट्स व्हाई द आइस हैव मोर डेंसिटी एज कंपैरिजन टू द स्टीम. द क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो क्या है बेटा, दैट इज व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ अ मैटर. जनरली मैटर की फ्लूइड फॉर्म का नाम, दैट इज लिक्विड. क्या बेटा लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर दैट फाउंड इन फ्लूइड फॉर्म, दैट फाउंड इन फ्लूइड फॉर्म. किसमें बेटा, फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर जो है, दैट इज विच डिफ्यूजेस फास्टर लिक्विड और अ गैस. सिंपल, गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर देन लिक्विड. क्या बेटा गैसेस जो होती हैं डिफ्यूजेस फास्टर कंपैरिजन देन लिक्विड, बिकॉज गैसेस हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एज कंपैरिजन टू द लिक्विड्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव, दैट इज What is the chemical name of dry ice? CO2 is also known as dry ice because solid CO2 is extremely cold. CO2 जो गैस है बेटा, it is known as dry ice. ठीक है, solid CO2 is highly cold. So that's why it is used in deep freezes. इसलिए इसको किस में के यूज में लिया जाता है, deep freezes में. ठीक है, now we are talking about the question number 6, that is name for substance which can sublime. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली में सबलिमेशन होता क्या है. ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है व्हाट इज सब्लिमेशन. जब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं बेटा, इंटरचेंज ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स के इंटरचेंज की बात करते हैं. मान लो यहाँ पे क्या है, सपोज दिस वन इज अ सॉलिड, करेक्ट, एंड दिस वन इज अ लिक्विड, एंड दिस वन इज अ गैस, करेक्ट. सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ melting and liquid change into the solid by the solidification. Liquid change into gas by the process of vaporization and this is change into by the process of condensation and the direct solid change into gas and gas change into liquid by the process of sublimation. क्या बेटा, sublimation. ठीक है,
सब्लिमेशन क्या हो गया? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड सबस्टांस, क्या बेटा, सॉलिड सबस्टांस चेंज इनटू गैस, एंड व्हेन वी आर कूल डाउन द गैस देन गैस डायरेक्टली चेंज इनटू द सॉलिड विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका कॉम्फ्योर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, क्या बेटा, आयोडीन एटसेट्रा. ठीक है, तो कौन कौन बेटा, कॉम्फोर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड एंड आयोडीन आर सबलाइम, इनको हम लोग सबलाइम कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. हाउ विल इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन, क्या बेटा, कि जो सरफेस एरिया होता है हाउ अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन. ठीक है, तो इवोपरेशन का मतलब होता है कि भाई वाटर जो है दैट इज जनरली फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, करेक्ट, वाटर चेंज इनटू द, भाई इवोपरेशन क्या होता है बेटा, इवोपरेशन का मतलब होता है वाटर का चेंज होना, क्या बेटा, वाटर का चेंज होना किसमें, वेपर में, किसमें बेटा, वेपर में, बट कंडीशन क्या है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्या बेटा, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे. ठीक है, अब हम लोग जब फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द रेट ऑफ, फैक्टर्स दैट अफेक्ट, जो प्रभावित करते हैं किसको बेटा, दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन, अफेक्ट रेट ऑफ इवोपरेशन, उसमें कौन सा है आपका, जो रेट ऑफ इवोपरेशन है, क्या बेटा, रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, सरफेस एरिया के, किसके, सरफेस एरिया के. इट मींस जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होएगा. ठीक है, अगर सरफेस एरिया घटेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा बेटा, कम होगा. सिंपल सपोज करो एक तो इस एरिया में पानी भरा है और एक इस एरिया में पानी भरा हुआ है, समझ में आया, इसका सरफेस क्या है बेटा, कम है, इसका ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन किस में ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी. सिंपल, ठीक है, तो जहाँ जहाँ सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है दैट इज अ पीस ऑफ चॉक कैन बी ब्रोकन इंटू स्मॉल पार्टिकल्स बाई हैमरिंग बट अ पीस ऑफ आयरन कैन नॉट बी ब्रोकन इंटू स्मॉल पार्टिकल्स बाई हैमरिंग. Which characteristics of the particles of matter is illustrated by these observations? Simple. The force of attraction is quite weak between the chalk particles, while the force of attraction is between the particle of iron is very very strong. कि चौक जो है बेटा उस पर अगर हम हमर मारेंगे तो वो easily क्या हो जाएगा बेटा, breaks into the small small particles. Correct. जबकि अगर यही चीज़ मैं किसके साथ करूं, आयरन के साथ करूं, किसके साथ करूं, आयरन के साथ करूं, तो आयरन जो है उसके जो पीसेज हैं उस पर हमरिंग करेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट नहीं होगा. इसका रीज़न क्या है, बिकॉज आपने पढ़ा था इससे पहले जो अपन ने वीडियो भेजा उसमें मैंने आपको बताया कोहेसिव और अडहेसिव फोर्स, कौन कौन से बताया बेटा, दो टाइप के फोर्स की बात की थी अपन ने, एक था कोहेसिव फोर्स और एक बताया था मैंने आपको अडहेसिव फोर्स, कौन सा बताया था बेटा, अडहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स वर्क ऑन द सेम पार्टिकल्स, ये एक जैसे पार्टिकल के बीच में लगने वाला बल, द फोर्स दैट एक्ट ऑन द सिमिलर काइंड ऑफ द पार्टिकल, किस में लगेगा बेटा, सिमिलर काइंड ऑफ द पार्टिकल्स, करेक्ट. और जो अडहेसिव फोर्स है इट वर्क ऑन द डिसिमिलर काइंड ऑफ द पार्टिकल्स, किस में लगेगा बेटा, डिसिमिलर काइंड ऑफ द
पार्टिकल्स। तो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग रहता है, और यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है, वीक रहता है। समझ में आया कि नहीं। बात करें किसकी, आयरन की, तो ऑल पार्टिकल्स ऑफ आयरन आर सिमिलर, और उनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कोहेसिव फोर्स, तो दे स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड, करेक्ट। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द चॉक, तो दे आर द मेड अप बाय द डिसिमिलर पार्टिकल्स, सो देयर इज अ फोर्स दैट इज वर्क दैट इज एडहेसिव फोर्स, एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। सो चॉक इज इजीली ब्रेक डाउन बाय हमरिंग एंड द आयरन इज नॉट, करेक्ट। नेक्स्ट दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू कैल्विन, किसमें बेटा, कैल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल, कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करते हैं बेटा, 273, हाउ मच, 273। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टेम्परेचर टू कैल्विन, निम्नलिखित को कैल्विन में कन्वर्ट, फॉलोइंग इन कैल्विन, निम्नलिखित को कैल्विन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन इज 57 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेकंड वन इज 13, कितना बेटा, 13 डिग्री सेल्सियस। ऐड करना है कितना, 273, इसमें कितना बेटा, 273, तो इट बिकम 3 + 7 दैट इज 0, कैरी 1, 7 + 5 = 13 एंड 1, और ये 2 और 1 = 3, ये हो गया आपका कैल्विन में। और इसकी अगर बात करें तो इट बिकम 3 + 3 = 6 एंड 7 + 1 = 8, 286 कैल्विन, ठीक है, सॉरी 13 + 273, 3 ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऑल्दो इट इज स्टिल बीइंग हीटेड, उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता तब तक कि हम उसको कंप्लीट गर्म नहीं कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो वो कह रहा है क्या बेटा कि जब तक मान लो सपोज ये कोई अपन इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म कर रहे हैं पानी को, ठीक है, ये बर्नर लगा हुआ है और ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि हम इसको कंटिन्यूस गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्या बेटा ये वेपर बनना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, तो इसका टेम्परेचर तब तक क्या नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा तब तक कि ये कंप्लीट क्या ना हो जाए, वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन क्या है आपका, इफ द ब्लॉक ऑफ योर हैंड इज मोशन विद द एल्कोहल यू विल फाइंड दैट इट रैपिडली बिकम्स ड्राई, अगर आपके हाथ पे क्या है बेटा कोई एल्कोहल है, कोई एरोसोल या कोई ऐसा सब्सटेंस हम डाल दें तो वो तुरंत क्या है, उड़ जाता है और उस जगह पे हमें क्या लगता है, ठंडा लगता है। इट हैपन्स ड्यू टू द एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द बॉडी एंड इट, ये हीट पाके क्या हो जाएगा बेटा, उड़ जाता है और वहाँ पर्टिकुलर जगह पे क्या है, ठंडा महसूस होता है, ठीक है, एंड कॉजिंग कूलिंग ड्यू टू द वेपोराइजेशन, किसकी वजह से, वेपोराइजेशन की वजह से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेटेंट हीट, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। सिंपल, लेटेंट हीट इज एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी और अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ड्यूरिंग अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। तो बेटा बात करें लेटेंट हीट, क्या बेटा, लेटेंट हीट, सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, लेटेंट का मतलब होता है हिडन,
क्या होता है बेटा? हिडन। तो हिडन किसकी बात कर रहा है? ये हीट की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये कह रहा है कि भाई जो भी एनर्जी, या मैं बोलूं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एनर्जी दैट इज ऑब्जर्व, दैट इज एब्जॉर्ब, दैट इज एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, या फिर क्या बेटा, रिलीज्ड की जा रही है ड्यूरिंग ड्यूरिंग द इंटरचेंज ऑफ द स्टेट, इंटरचेंज ऑफ द स्टेट, ठीक है। सेड टू बी लेटेंट हीट, क्या बेटा? लेटेंट हीट। इट इज टू टाइप, ये दो टाइप की होती है। सबसे पहला लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या बेटा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कौन सा होता है बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सिंपल, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ 1 kg ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज एट 1 atmospheric प्रेशर, करेक्ट, इज सेड टू बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ एनी लिक्विड इनटू द वेपर और अ गैसियस स्टेट एट अ 1 atmospheric प्रेशर दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लेटेंट मीन्स हिडन, हीट मीन्स बेटा हीट, वन काइंड ऑफ एनर्जी, द हीट एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द इंटरचेंज ऑफ द स्टेट, या फिर बेटा लेटेंट हीट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब बाई द बॉडी और अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम ड्यूरिंग अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। लेटेंट हीट कैन बी अंडरस्टैंड एज अ एनर्जी इन हिडन फॉर्म विच इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ द सबस्टांस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ये एनर्जी क्या है बेटा? विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, जो इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था कि ये वो हीट एनर्जी है जो कि उसमें क्या है, हिडन है, समझ में आया। इस लिक्विड को अपन किस में, गैसियस फॉर्म में चेंज कर रहे थे बाय बर्निंग, करेक्ट। लेकिन हम देख रहे थे लगातार हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, लेकिन ये तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा जब तक कि ये कंप्लीट किस में कन्वर्ट नहीं हो गया, गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सबस्टांस, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सिंपल, मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सबस्टांस। तो मेल्टिंग पॉइंट इज अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सबस्टांस स्टार्ट टू कन्वर्टिंग इन लिक्विड फॉर्म इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सबस्टांस। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं बेटा कि भाई मेल्टिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं, किससे बेटा, मेल्टिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं। तो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल ये क्या है बेटा, इट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच, जिसके ऊपर क्या, एनी सॉलिड सबस्टांस, एनी सॉलिड सबस्टांस स्टार्ट टू कन्वर्ट, क्या बेटा, start to convert in liquid form, किसमें बेटा, liquid form में, is that temperature is known as its melting point, वो जो temperature था वही उसका क्या बेटा, melting point है। आगे question कह रहा है what is the melting point of the ice, तो ice का melting point है बेटा 0 degree Celsius, कितना है, 0 degree Celsius, melting point of ice is 0 degree Celsius, और अगर Kelvin की बात करें तो 273.16 Kelvin,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड इसमें पूछ रहा है बेटा, व्हाट इज डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, क्या पूछ रहा है बेटा डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल, द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड रैपिडली चेंज इन टू द गैसियस स्टेट बाई एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट, ये फर्स्ट, सेकेंड इसने अपन से पूछा है क्या बेटा वट डू यू मीन बाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वट इज बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल, एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये सेम डेफिनेशन रहेगा बेटा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच, लेकिन यहां पे सॉलिड की जगह क्या हो जाएगा लिक्विड, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच, जिसपे की क्या एनी लिक्विड सबस्टांस, क्या बेटा एनी लिक्विड सबस्टांस, अब लिक्विड सबस्टांस है तो क्या होगा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो सिंपल चेंज इनटू गैसियस स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और अ हीट, करेक्ट, दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सबस्टांस स्टार्ट हो जाए, किसमें चेंज होना बेटा गैसियस स्टेट में, दैट इज द टेम्परेचर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें क्या बेटा, व्हेन एनी सॉलिड सबस्टांस अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, वो वट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर, वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो सिंपल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, क्या बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड इट बिकम 100 प्लस 273.16, दैट इज 373.16 केल्विन। ठीक है, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना बेटा 373.16 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, करेक्ट, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को हम लोग क्या करते हैं, प्लेस इन अ बीकर, इट्स पर्पल कलर स्प्रेड थ्रू आउट ऑफ वॉटर, तो ऑब्जर्वेशन सो दैट द क्रिस्टल ऑफ KMnO4, व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड इन अ बीकर इट्स पर्पल कलर स्प्रेड थ्रू आउट ऑफ वॉटर, व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, सिंपल, किसी भी बीकर में हम लोगों ने पानी भर रखा है, क्या भर रखा है बेटा पानी भर रखा है, और उसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्या डाल दिए क्रिस्टल डाल दिए, मतलब उसके टुकड़े डाल दिए। ठीक है, जैसे चौक के टुकड़े डाल दिए हैं, ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट क्या डाल दिए टुकड़े डाल दिए, सिंपल, और वो टुकड़े से क्या है बेटा वो कलर जो था उसका वो पूरे में क्या हो गया फैल गया। ठीक है, मान लो ये ग्लास था, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 14, कौन सा है बेटा 14, ठीक है, और इसमें अपन ने वाटर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है वाटर भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें अपन लोगों ने किसके टुकड़े डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, नेम इज पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बेटा कि ये डिसॉल्व हो जाता है, क्या हो जाता है ये डिसॉल्व हो गया और पूरे सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया चेंज हो गया, ये कलर्ड सॉल्यूशन आ गया, कैसा आ गया बेटा कलर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है, सिंपल, ये प्रॉपर्टी इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो KMnO4 जो है, क्या बेटा KMnO4 जो है इट इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स, क्या बेटा It is made up by small particles. ये छोटे छोटे particles से मिलके बना हुआ है, तभी तो ये क्या हो गया
डिवाइड हो गया किस में, अपने पार्टिकल्स में, समझ में आया। एंड दीज पार्टिकल्स और इन पार्टिकल्स ने, दीज पार्टिकल्स ऑबे द स्पेस दैट प्रेजेंट इन लिक्विड, बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स, ऑबे द स्पेस दैट प्रेजेंट बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स। और बेटा इन पार्टिकल्स ने वो स्पेस कवर कर लिया जो कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में था, उस स्पेस में कौन आ गए, इसके एटम्स आ गए, दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन बिकम कलर्ड। इसीलिए सॉल्यूशन कैसा हो गया बेटा, कलर्ड हो गया। तो एक प्रॉपर्टी पता चल गई कि भाई KMnO4 है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे ही हमने उसको डाला तो वो अपने स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गया और वो पार्टिकल्स क्या थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, तो दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन बिकम कलर्ड। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राइट थ्री मेथड्स दैट कैन बी यूज टू ड्राई अप अ वेट ड्रेस क्विकली। तो तीन कौन कौन सा बेटा, अभी अपन ने पढ़ा, रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो डिसाइड करेगी किसको, आपके कपड़े को सूखने के लिए, क्योंकि उसमें से पानी उड़ेगा तो ही क्या होगा, क्लोथ ड्राई होगा, सूखेगा। तो हम लोग इसमें कौन से फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग योर यूनिफॉर्म और अ क्लोथ, करेक्ट। तो कौन कौन से फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन, दैट इज स्पीड ऑफ द विंड। यहाँ पे मान लो शर्ट है, शर्ट को सुखाने के लिए क्या होगा बेटा, ये वेट मतलब इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल है, गीली है, तो अब ये पानी का मॉलिक्यूल इसमें से क्या होगा, इवोपरेट होगा, उड़ेगा, तभी तो ये सूखेगी, सिंपल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इवोपरेशन बोलते हैं। अब जितने भी फैक्टर जो है वो रेट ऑफ इवोपरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो सभी फैक्टर क्या हो जाएंगे इसमें, इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा, विंड स्पीड। क्या बेटा, विंड स्पीड, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ही तेज गति से क्या होगा, इवोपरेशन होगा, सिंपल। और जितना इसका मतलब है, ज्यादा हवा होगी तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बेटा, टेम्परेचर। क्या बेटा, टेम्परेचर, तापमान ज्यादा रहेगा तो ज्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन होगा, तो कपड़े क्विकली क्या रहेंगे बेटा, सूखेंगे। तीसरा सरफेस एरिया। क्या बेटा, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, या मैं सीधा बोलूं, इनकी वजह से रेट ऑफ इवोपरेशन कम ज्यादा होती है, और रेट ऑफ इवोपरेशन ही है जो डिसाइड करेगी किसको, बाय ड्राई अप ऑफ योर क्लोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, When the sugar is dissolved in water, there is no change in the volume. Which characteristics of matter is illustrated by the observation? Explain in details. Simple. ये कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है अपना, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15, और ये मैं अभी, ये तो हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 15, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। मान लो ये ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहां तक, ठीक है, ये यहां से यहां तक पानी भरा हुआ है, और इसमें क्या कर रहे हो आप, इसमें हम लोग चम्मच की मदद से क्या डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बेटा, शुगर डाल रहे हैं, और हम इसमें कंटिन्यूसली क्या डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, और शुगर इसमें क्या होती जा रही है, डिजोल्व होती जा रही है। समझ में आया कि नहीं, लेकिन इसका जो ये लेवल है ये नहीं बढ़ रहा है, समझ में आया कि नहीं। अब वो कह रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इंडिकेशन मिल रहा है, सिंपल, जो शुगर बेटा इसमें हम डिजोल्व कर रहे हैं, दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस दैट प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। शुगर ने वो स्पेस क्या कर लिया, कवर कर लिया, जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में था। समझ में आया कि नहीं, दैट्स व्हाई द वॉल्यूम जो जिस लाइन पे था ये वाटर लेवल, इसलिए इसका लेवल क्या नहीं हो रहा बेटा, इंक्रीज नहीं हो रहा है। समझ में आया, यहां क्या हो रहा है, शुगर के पार्टिकल्स जो है ऑक्यूपाइज द स्पेस दैट प्रेजेंट बिटवीन द इंट्रा मॉलिक्यूलर
स्पेस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाइज कर लिया, इसकी वजह से पानी का लेवल हाइक मतलब बढ़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मीन्ट बाय, क्या बेटा व्हाट इज मीन्ट बाय इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। तो सिंपल, इंटर कन्वर्टिंग ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर, अभी अभी अपन ने पहले भी किया, इट इज अ फिनोमिना इन विच द चेंज ऑफ द स्टेट, या मैं बोलूं द स्टेट चेंज, क्या हो रहा है बेटा, स्टेट चेंज हो रहा है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन, ये पूछ रहा है आपसे इंटर कन्वर्टिबिलिटी, क्या बेटा इंटर कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। तो व्हाट इज इंटर कन्वर्टिबिलिटी, इंटर कन्वर्टिबिलिटी का मतलब हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा बेटा 17, ठीक है। तो ये हो गया, इट इज द फिनोमिना या इट इज द प्रोसेस इन विच In which one form of energy, one form of matter, one state of matter change into another state, एक जैसे solid चेंज इंटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंज इंटू गैस, गैस चेंज इंटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंज इंटू सॉलिड, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज इंटर कन्वर्टिबिलिटी, क्या कहलाता है बेटा इंटर कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज इंटू वन अनोदर बाई अल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रोसेस। यहाँ पे मेन जो फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होंगे किसमें बेटा, चेंजिंग द स्टेट, दैट इज वन इज टेम्परेचर, कौन सा बेटा टेम्परेचर, एंड सेकंड वन इज प्रेशर, क्या बेटा प्रेशर। दीज टू फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व इन किसमें बेटा, इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट, किसमें बेटा इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट, convertibility of the state, state change में इन दोनों का क्या रहता है impact रहता है, ठीक है। Next question number 18, how does perspiration of sweating help to keep our body cool on a hot day? Simple, गर्मियों के दिन में हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग होती है, क्या होता है बेटा स्वेटिंग होता है, उससे ठंडा रहता है, वेरी सिंपल। जब बॉडी में क्या आ रहा है बेटा, सपोज करो स्वेटिंग हो रही है, करेक्ट, स्वेटिंग हो रही है तो बाहर क्या है एनवायरमेंट में हीट ज्यादा है, तो वो तुरंत क्या करेगा बेटा इवोपरेट होगा, क्या होगा इवोपरेट होगा, और ड्यू टू द इवोपरेशन बॉडी बिकम्स कूल, और जो इवोपरेशन की वजह से वो पर्टिकुलर जगह जहां से वो स्वेट क्या हो रहा है इवोपरेट हो रहा है, वो जगह क्या रहती है बेटा ठंडी रहती है, ठीक है। सेम थिंग हैपेंड विद व्हेन हमारे हाथ में अल्कोहल आता है, तो अल्कोहल क्या है वो जो बॉडी एनर्जी जो है, बॉडी हीट जो है उसको पाके क्या हो जाएगा, या सराउंडिंग जो एनवायरमेंट है उसकी हीट एनर्जी को लेके क्या हो जाएगा इवोपरेट हो जाएगा, वो पर्टिकुलर जगह क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, दैट इज डिफाइन द फॉलोइंग डिफ्यूजन, क्या बेटा डिफ्यूजन, क्वेश्चन नंबर 19 है, दैट इज पहले क्या पूछ रहा है बेटा डिफ्यूजन की, भाई डिफ्यूजन को परिभाषित करो, फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट है बेटा डिफ्यूजन, क्या है डिफ्यूजन। तो सिंपल, व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच द सबस्टांस मूव्स फ्रॉम
अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, क्या बेटा हायर कंसेंट्रेशन से सबस्टांस किधर जा रहा है बेटा, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, इज नोन एज डिफ्यूजन एंड इट इज मेनली हैपन्ड विद द गैस, किस में होता है बेटा ये मेनली गैस में होता है, ठीक है। सेकेंड जो अपना है दैट इज बीईसी, क्या है बेटा बीईसी, वॉट इज बीईसी, बीईसी क्या है, इज अ फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर दैट इज ऑल्सो नोन एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला बेटा अपन लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था बीईसी क्या है, फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन 1920 डिस्कवर बाय सत्येंद्र नाथ बोस, किसने बेटा सत्येंद्र नाथ बोस ने, और क्या बोला बेटा उन्होंने बोला कि व्हेन एनी गैस, क्या बेटा एनी गैस को क्या करते हैं हम सुपर कूलिंग करते हैं, उसका क्या करते हैं सुपर कूलिंग करते हैं एट वेरी लो डेंसिटी, एट वेरी लो डेंसिटी बहुत ही कम डेंसिटी पर, देन वी ऑब्टेन आई स्टेट दैट इज नोन एज बीईसी, दो हमें एक स्टेट ऑब्टेन होती है दैट इज नोन एज बीईसी, तो वो क्या कहलाएगी बेटा बीईसी कहलाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई हम लोग क्या करते हैं किसी गैस को क्या करते हैं सुपर कूलिंग करते हैं एंड डिक्रीज या एट अ लो डेंसिटी देन वी ऑब्टेन अ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज नोन एज बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है बेटा, नेक्स्ट है अपना प्लाज्मा, क्या है बेटा प्लाज्मा, तो प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, क्या बेटा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तीसरा है अपना प्लाज्मा, क्या है बेटा प्लाज्मा, ठीक है, व्हाट इज प्लाज्मा, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, करेक्ट, एंड मेनली प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाईली आयोनाइज्ड गैस, प्लाज्मा जो होता है बेटा इसमें क्या है हम लोग, इट इज कंसिस्ट ऑफ हाईली आयोनाइज्ड गैस, इसमें हम लोग किसको लेते हैं हाईली आयोनाइज्ड गैस को लेते हैं। अब इसको क्यों लिया गया, क्योंकि इस गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो सुपर एनर्जेटिक, कैसा बेटा सुपर एनर्जेटिक या फिर सुपर एक्साइटेड फॉर्म में होंगे, किस में होंगे बेटा सुपर एक्साइटेड फॉर्म में होंगे, समझ में आया कि नहीं आया। प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज कंसिस्ट ऑफ हाईली आयोनाइज्ड गैस, जिसमें क्या है हाईली आयोनाइज्ड गैस होती है, जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो या तो सुपर एक्साइटेड फॉर्म में या सुपर एनर्जेटिक फॉर्म में होते हैं, और इस कंडीशन में वो क्या करते हैं बेटा ग्लो करते हैं, क्या करते हैं ग्लो करते हैं, तो यही रीजन है किसका सन का और स्टार्स का ग्लो करने का, क्योंकि वहां पे क्या होता है बेटा प्लाज्मा पाया जाता है, क्या बेटा प्लाज्मा, प्लाज्मा बोले तो हाईली आयोनाइज्ड गैस पाई जाती है, जिसके की पार्टिकल किस में बेटा सुपर एक्साइटेशन में या सुपर एनर्जेटिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कन्वर्ट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को अपन को क्या करना है कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को इन डिग्री सेल्सियस में, किस में करना बेटा डिग्री सेल्सियस में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन किस में बेटा डिग्री सेल्सियस, किस में डिग्री सेल्सियस में, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डिग्री सेल्सियस, तीन दे रखा है बेटा 720 फर्स्ट है 773 केल्विन, ठीक है, दूसरा दे रखा है तुमको 333, कितना दे रखा है बेटा 333 केल्विन, और तीसरा दे रखा है 185 केल्विन, क्या दे रखा है 185 केल्विन, ठीक है। क्या करना है इनको हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो जब हम लोग सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते थे तो प्लस 273 और इधर से इधर करेंगे तो माइनस 273, ठीक है,
तो -273 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ 273 क्या हो गया बेटा, 0, 13 में 7 गया तो 6, और यहाँ 60, कितना बेटा 60 सेल्सियस, ठीक है। और इधर आ जाओ, इधर क्या बेटा 5 में से 3 गया तो 2 1, ठीक है। इसको कर लो 273 अपॉन में 185, कितना हो गया बेटा 313 में से 5 गया तो 3 प्लस 2 कितना गया 8, इधर कितना बेटा यहाँ हो गया 6, 6 में से 8 गया तो 8 बचा 16 में से 0, 88, लेकिन किसका आया बेटा माइनस का आया, किसका आया माइनस का 88 क्या आया डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है, समझ में आया। तो ये तो हो गया आपका क्या बेटा डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके बाद जो अपना एक्सरसाइज सेकंड और जो थर्ड है उसमें एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करेक्ट, उनको आपको करना है, ठीक है। उनमें किसी में डाउट आए तो वापस भेजना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।